Now again another example based on array and pointer properties. Case first मैंने array declaration plot किया है, इस array का size क्या है 5 with the initial elements 5, 10, 15, 20 और 25. इसके लिए मैंने diagram already construct कर रखा है. इसके इसमें total number of elements कितने found हो रहे हैं exactly 5 elements. अगर first element का address 100 है तो remaining elements का address क्या है 102, 104, 106 and 108 in case of 16 bit C compilers. Clear? Then locations के name के अगर किसी भी location का name n होता है तो उसको logically access कर सकते हो using star n. इसे star का use करके किसी भी स्टार ऑलवेज अप्लाई किसके लिए हुआ एड्रेस के साथ. अगर एड्रेस के साथ स्टार अप्लाई करो देन इससे हमेशा रिटर्न क्या वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस. क्लियर. नेक्स्ट मीन्स स्टार 100 इज सिमिलर टू ए 0, स्टार 102 इज सिमिलर टू ए ऑफ 1 एंड सो ऑन. इस टाइप के प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन प्रीवियस सेशन. नेक्स्ट वन सेकंड केस में जस्ट पॉइंटर डिक्लेरेशन पार्ट किया पी, और पॉइंटर के केस में पॉइंटर का टाइप क्या नियर पॉइंटर. बाय डिफॉल्ट भी 16 बिट सी कंपाइलर्स में टाइप क्या होता नियर पॉइंटर. नियर पॉइंटर का साइज क्या रहता ऑलवेज 2 बाइट्स. इस केस में पॉइंटर वैल्यू पी क्रिएट होगा तो पी के रिस्पेक्ट में जस्ट कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 2 बाइट्स. प्लस किसी भी पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे डिपेंड करेगा डेटा टाइप. लेकिन पॉइंटर का साइज क्या है डिपेंड्स आइदर नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर और ह्यूज पॉइंटर. 16 बिट कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट पॉइंटर का टाइप क्या होता है नियर पॉइंटर, इसलिए साइज क्या रहेगा 2 बाइट्स. नेक्स्ट में इनिशियली इस केस में आसान क्या कराएगा नल. नल मीन्स इक्वलेंट टू 0, मीन्स नल लोकेशन को रेफर करेगा. इस करेंटली इस पॉइंटर के थ्रू कोई भी रिजेक्ट लोकेशन पॉइंट नहीं हुआ. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद पी में क्या आसान हो रहा है एड्रेस ऑफ ए 0, लोकेशन ए 0 के केस में इसका एड्रेस क्या फाउंड हो रहा है जस्ट 100. तो स्पेस पर आसानी कर 100 असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल पी. नेक्स्ट टाइम पी में क्या आसान हो जाएगा 100 और पी इमीडिएटली उस लोकेशन को पॉइंट करेगा इसका एड्रेस 100. देन इस लोकेशन का नेम क्या क्रिएट होगा जाए स्टार पी. स्टार पी ऑलवेज उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है. जैसे पी में क्या स्टोर है 100, तो 100 लोकेशन का ही अदर नेम क्या है स्टार पी. नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट इंक्रीमेंट किस में हो रहा है पी में. तो पी मीन्स पॉइंटर, और पॉइंटर में जब भी 2 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पॉइंटर. करंटली इंटीजर पॉइंटर, और इंटीजर पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं 2 बाइट्स. तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा जस्ट 2 से. तो नेक्स्ट टाइम इसमें आसानी क्या हो जाएगा 102. जैसे इस प्लेस में 102 आसान होगा इमीडिएटली पॉइंट क्या करें नेक्स्ट लोकेशन 102. प्लस 102 लोकेशन का एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार पी. क्लियर. स्टार पी सिमिलर टू ए ऑफ 1. नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार में. प्री इंक्रीमेंट अप्लाई किसके लिए हो रहा है. प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ था पी के लिए, लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई हो रहा है स्टार पी के लिए. जस्ट आप पी के प्लेस पर रिप्लेस कर सकते हो पी का वैल्यू. पी में क्या स्टोर है करंटली 102. फाइनली किस लोकेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट इन स्टार 102. स्टार 102 में करंट वैल्यू क्या 10. जब इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए जस्ट 11. क्लियर. नेक्स्ट ऑपरेशन अगेन परफॉर्म क्या हो रहा है माइनस माइनस पी. माइनस माइनस पी में से सबट्रैक्शन किस में हो रहा है पी में या स्टार पी में. पी में मीन जब पी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो एड्रेस में ऑपरेशन से अप्लाई होगा. जब स्टार पी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा देन ऑपरेशन वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा. तो करंटली डिक्रीमेंट किस में हुआ पी में. पी का करंट वैल्यू क्या है 102. डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 100. तो अगेन पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा लोकेशन एज 100. नेक्स्ट वन नेक्स्ट टाइम अगेन डिक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार पी में. और करंटली स्टार पी उस लोकेशन का नेम हुआ इसका एड्रेस पी में स्टोर है. पी में क्या स्टोर है 100. तो पी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसी लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट होगा स्टार पी. स्टार पी में जस्ट परफॉर्म कर रहा है डिक्रीमेंट. जब डिक्रीमेंट होगा तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 5. डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4. इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कराया गया वैल्यू ऑफ ए 0 एंड ए 1. तो ए 0 में चेक कर सकते हो करंटली क्या स्टोर है 4. ए 0 का वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ ए 0 इज 4. वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1 में करेंटली क्या है जस्ट 11. दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड.